गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल अपना यूट्यूब में फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप जो लोग आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए छोटी सी इल्तिजा है, प्लीज वीडियो को पहले से एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे हमारे दिए गए टिप्स, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद पास कर दिया हुआ बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो ज्यादा बात को ना बढ़ा के हम डायरेक्ट टॉपिक पे चले जाते हैं, फल के राजा आम। हाँ जी, आज मेरा टॉपिक है आम के बारे में, आम की अच्छाइयों के बारे में। फल के राजा किंग ऑफ फ्रूट्स आम है, ये तो हम सबको पता है। और इस आम खाने के चाहे जो जो भी बोले कि ज्यादा आम मत खाओ, ये हो जाओगे वो हो जाओगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर अमाउंट में आम खाएं, चाहे वो कच्चा हो या पका, तो ये बात तो तय है कि आपके इतने सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के ऐसे कई हिस्से जो इतने डेवलप होते हैं और इतना इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ता है ना, कि दैट्स अनकंपेयरेबल, जो दवाइयां भी आपको नहीं कर सकती। सबसे पहले मैं कच्चे आम की दो विशेष गुणों के बारे में बोलना चाहूंगी। यू तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि रॉ मैंगोज आर एनरिच्ड विद विटामिन ए एंड विटामिन ई। कच्चे आम में विटामिन ए और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, जो हमारे शरीर का जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। दूसरी बात, इसके अलावा क्योंकि सारे देश में जिस तरह से गर्मी फैल गई है, सूखा पड़ रहा है, और ऐसी तेज धूप में जो लोग निकलते हैं, जिनको काम करना पड़ता है, अगर वो लोग रास्ते में जहाँ पे कच्चे आम बिकते हैं या अपने घर में अगर आपके कच्चे आम हो, तो कच्चे आम को काट के उसके छिलके को निकाल के थोड़ा नमक, काला मिर्च का पाउडर डाल के अगर आप उसको खाने का आदत डाल दें, मतलब आपको आपको भूख लग रही है तो बिस्किट वगैरह इसको थोड़ा कम करके अगर आप थोड़ा कच्चा आम कुछ एक पीस, दो पीस, तीन पीस अगर आप खा लेते हो, तो ये जो धूप में घूमने की वजह से, धूप में निकलने की वजह से आपको जो नुकसान सूरज की तेज रोशनी से होती है आपके शरीर को, उससे आपको पूरी रिलीफ मिलेगी। क्योंकि कच्चे आम में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे पावरफुल मिनरल्स उसमें रहते हैं जो आपको ताकत देते हैं सूरज की तेज रोशनी से, सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से लड़ने के लिए हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को तैयार करते हैं। अब आती हूँ पके आम के बारे में। भाई मीठे, रसीले, टेस्टी मीठे आम किसको नहीं अच्छे लगते, भाई मेरा तो सबसे फेवरेट है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आम के कितने गुण हैं? सबसे पहली बात, मीठे आम में जो कि लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, बट इट्स अ मिसकंसेप्शन। मीठे आम अगर आप एक मेजरमेंट में, सपोज मान लो खाने के बाद एक पीस आम अगर आप खाते हो, तो उसको अगर आप एक प्रॉपर मेजरमेंट में अगर आप लेते हो अपने डाइट में, तो मीठे आम आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट में आम का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इसके अलावा दूसरी बात, आम हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग आम खाते हैं या आम को बहुत पसंद करते हैं, या जो लोग आम से ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में जिनको पता है, उनको पता ही होगा कि गर्मियों के मौसम में आम टैन में भी काम करता है। इसके अलावा मैंगो फेशियल जो लोग करती हैं, उन लोगों को तो ये बात पता ही है कि मैंगो स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, स्पेशली ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा मैंगोज में एक पेक्टिन और उसमें कुछ फाइबर्स ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो बहुत तरह के कैंसर, जैसे कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे आदि कैंसरों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में पैदा करती है, जिससे जो लोग आम को अपने डाइट में रखते हैं उनको कैंसर से बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से बोलना चाहूंगी, जिन लोगों ने आज पहली बार हमारे चैनल को देखा, हमारे इस वीडियो को देखा, कि पहले से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिया बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी। बाय।